अभी तक ये तो तय हो नहीं पाया है औपचारिक तौर पर कि आरजेडी कितने पे लड़ेगी डॉक्टर संजय, कांग्रेस कितने पे लड़ेगी, लेफ्ट कितने पे लड़ेगी, क्योंकि सीपीआईएमएल लगातार रजिस्टर कर रही है, विरोध दर्ज करा रही है कि हमें जो आप सीटें आवंटित कर रहे हैं उस पर हम सहमत नहीं है, और सीपीआई लगातार दबाव बना रही है कि हमें बेगूसराय चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी क्या बेगूसराय देगी, क्योंकि आरजेडी के भी एक कद्दावर नेता तनवीर हसन वहां पर है, वो 2014 में 50,000 के आसपास वोटों से आ रहे थे। क्या तनवीर हसन को आरजेडी लड़ाना चाहती है, जबकि सीपीआई के जो उम्मीदवार वहां शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका वोट हर जाति, हर समाज और हर पार्टी में है। इनफैक्ट जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो गिरिराज जी के लिए ज्यादा जो कहते हैं ज्यादा बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं वो, वहां के लोकल लोग ऐसी बात करते हैं। पर बड़ा सवाल यह है डॉक्टर संजय कि महागठबंधन के भीतर अभी दो इंट्रेंट और आ सकते हैं जिनकी चर्चा जोरों पर है। शाम को पशुपतिनाथ पारस की मुलाकात होने वाली है, मुकेश साहनी का वेलकम, भाई वीरेंद्र जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं कह रहे हैं आइए हम लोग सब मिलकर के चुनाव लड़ लेते हैं। तो इस परिस्थिति में सीटों के बंटवारे को आप कैसे देखते? आरजेडी कितने पे लड़ेगी, कांग्रेस कितने पे लड़ेगी, लेफ्ट को क्या दिया जाएगा, पारस गुट आता है तो वो कितने सीट पे लड़ेगा, और साथ ही साथ मुकेश साहनी को क्या दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं जरा सीटों के गठबंधन से पहले पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र को मैं बता देना चाहता हूं। जो आप कह रहे थे कि कांग्रेस के हिस्से में आरजेडी देना चाहती है, देखिये 6 जो विधानसभा है, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहेब, दीघा, बांकीपुर और कुमरा, तो जो पटना साहेब है उससे तो नंद किशोर यादव है जो अभी विधानसभा में स्पीकर हैं, चुनाव भी अच्छा मार्जिन से जीते थे, दीघा से संजीव चौरसिया है, यह मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ, बांकीपुर से नीति नवीन है जो मंत्री है और कुम्हरार से अरुण सिन्हा है, तो 4 सीटें जो विधानसभा की है वो बीजेपी जीती हुई है। और जब कायस्थों का वोट और वैश्य का वोट दोनों का वोट जब पोलराइज होता है और अगड़ी जातियों का भी वोट पोलराइज होता है तो वहां पर आरजेडी इस बात को समझती है कि हम वहां पर सीट निकालना मेरे लिए संभव नहीं है, इसीलिए पटना साहिब हमेशा कांग्रेस के हिस्से में दे देती है। और परिणाम क्या आता है सबको पता है, नालंदा की सीट ऐसा नहीं है, वो जादव जाति को उम्मीदवार वहां से लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन जब से नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर के नालंदा गए और उस समीकरण पर जब उन्होंने नजर रखने लगे, मैं एक छोटी बात बता देता हूं कि 40 लोकसभा सीट से घूम के आने के बाद भी नीतीश कुमार शाम में नालंदा की खबर लेते हैं कि भाई नालंदा के लोकसभा की क्या स्थिति है, और जिस उम्मीदवार को भी वो उतारते हैं उस उम्मीदवार के लिए वो हर समीकरण साधने में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए आरजेडी नालंदा और पटना साहिब की सीट को बहुत सेफ सीट नहीं मान करके चलती। अब हम बेगूसराय पर आ जाते हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं। शत्रुघ्न बाबू का की स्वीकारिता ही केवल नहीं है बल्कि शत्रुघ्न बाबू की एक जमीनी पकड़ भी है। गिरिराज सिंह से नाराजगी ठीक है, नरेंद्र मोदी उनको पसंद करते हैं, बीजेपी उन्हीं को टिकट देगी, नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वो चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन सतही तौर पर गिरिराज सिंह से नाराजगी बेगूसराय के लोगों की है। और कई घटनाएं इधर हुई है जिसमें लोगों ने जब वो गए गांव में तो लोगों ने विरोध दर्ज कराया, तो ये बात का लाभ तो शत्रुघ्न सिन्हा को मिलेगा, शत्रुघ्न बाबू अगर चुनाव लड़ते हैं तो शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को। अब रह गई बात कि तनवीर हसन की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल कन्हैया कुमार भी जब चुनाव लड़ने गए थे तो उस पोलराइजेशन में ही गए थे, लेकिन इतना भी मुनाजिर हसन वहां से चुनाव जीत चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट वहां फैक्टर नहीं है। और अगर बाकी वोटों का पोलराइजेशन अगर कास्ट इक्वेशन की बात करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है कि अगर गठबंधन में सीपीआई है तो बेगूसराय से सबसे अधिक सुरक्षित मुझे नहीं लगता है कि बिहार का कोई लोकसभा की सीट सीपीआई के लिए है। अगर एक सीट भी उसके हिस्से की होगी तो वो दावा करेगी कि हमें लड़ाना है, हमारी हिस्सेदारी देनी है, तो बेगूसराय हमको दे दीजिए।
बेगूसराय के अलावा कोई ऐसा सुरक्षित सीट सीपीआई के लिए नहीं दिखता है। सीपीआई एमएल के लिए 3-4 सीटें हैं जहां वो लड़ते रही है और वो अपने को प्रभावित करते रही है। जहां तक आप जो अंतिम सवाल आपका था उसको मैं कंक्लूड कर देता हूं, निश्चित रूप से पारस जी को एकोमोडेट किया जाएगा। आज तो तेज प्रताप यादव भी एकदम बिल्कुल दोनों बांह फैला करके उनको आमंत्रित कर रहे हैं, मुकेश सहनी जी को आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन इन लोगों के हिस्से में एक या दो सीटें ही होगी, इससे अधिक नहीं होने जा रही। दो सीट पारस जी को मिल जाए, एक सीट मुकेश सहनी जी को मिल जाए और दो सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए बचा के भी रखा गया है, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं थे और एक सीट पर वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, हालांकि उन्होंने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन हो सकता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा नाराज ही हो जाएंगे तो इधर से दो सीटों का ऑफर उनको दिया जा सकता है। अब ये 6-7 सीटों का जो आया है, अब वाम दल तो दावा तबूत कर रहे हैं, सीपीआई एमएल कर रही है कि हमको 8 सीट चाहिए, सीपीआई कर रही है कि 5 सीट चाहिए, सीपीएम कर रही है कि 3 सीट चाहिए। तो भाई जब 28-30 सीट पर आरजेडी ही लड़ेगी तो क्या कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी जब इन्हीं लोगों के हिस्से में इतनी सीटें आ जाएगी? और 19 सीटों पर पिछले चुनाव में रनर की भूमिका में रही थी आरजेडी, तो जिन सीटों पर वो रनर की भूमिका में है उन सीटों पर वो कंप्रोमाइज नहीं करने जा रही। अगर 20-22-23-24 का आंकड़ा भी ले ले तो इन लोगों के हिस्से में 2-3-4 और कांग्रेस के हिस्से में मैक्सिमम 7 या 8 सीटें जाने जा रही है। दावा तो कर रही है कांग्रेस की 11, अभी 6 पर बात जाकर के फंसी हुई है कि भाई हम 6 से अधिक आपको नहीं दे सकते, आपके तो उम्मीदवार ही नहीं होते हैं। पहले अपना पहलवान बताइए कि आपके पहलवान कौन कौन है जो महागठबंधन को जिताएंगे, इसलिए कि चूंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए हम किसी को भी आपको टिकट दे दे और किसी को उम्मीदवार बता दे। आप पहलवान बताइए कि आपके उम्मीदवार कौन है, पहलवान कौन है? तो 6 पर मामला फंसा हुआ है, लेकिन 8 सीटों तक कांग्रेस को दिया जा सकता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की पहल पर 8 सीटें कांग्रेस के हिस्से में दी जा सकती है, तो 22 सीटों से कम पर राजद नहीं लड़ेगी। 8 सीट अगर कांग्रेस के हिस्से में आती है तो 30। ये 5 सीटों के बारे में चर्चा है कि 5 सीटें दी जाएगी, 5 या 6 सीटें वाम दलों को और 4 सीटों पर चाहे वो पारस जी हो या मुकेश सहनी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इनको एकोमोडेट किया जाएगा।